महिला कांस्टेबल और तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी के अश्लील वायरल वीडियो मामले में गुरुवार को बर्खास्त डीएसपी हीरालाल सैनी को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जस्टिस नरेंद्र डड्डा की अदालत ने सैनी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए। इससे पहले महिला कांस्टेबल को भी जमानत मिल चुकी है। जमानत पर पैरवी करते हुए सैनी के अधिवक्ता रजनीश गुप्ता ने कहा कि मामले में पॉक्सो एक्ट की जो धारा लगाई गई उसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं से आरोपी को मामले में जमानत का लाभ भी दिया जा चुका है। ऐसे में हीरालाल सैनी को भी जमानत दी जाए, इसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक चंद्रगुप्त चोपड़ा ने कहा कि मामले में फिलहाल चार्जशीट पेश नहीं हुई। मामला हाई प्रोफाइल है। आरपीएस के कृत्य से पूरे पुलिस विभाग की छवि खराब हुई है। ऐसे में आरोपी की जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मालूम हो कि सितंबर में अजमेर जिले के ब्यावर सर्किल के तत्कालीन डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के 2 अश्लील वीडियो वायरल हुए थे। दोनों वीडियो में सैनी और महिला कांस्टेबल अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए थे। वीडियो में महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई थी। इसके बाद एसओजी ने पहले सैनी को उदयपुर के एक रिजॉर्ट से भी गिरफ्तार किया, वहीं बाद में महिला कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया था। दोनों पर पॉक्सो एक्ट की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। हीरालाल सैनी 9 सितंबर से जेल में थे। गुरुवार को करीब 50 दिन बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।